लॉकडाउन के समय भारत समेत दुनिया के हर देश थरथरा हुआ है, तो एक देश ऐसा भी है जो इस लॉकडाउन में भी अरबों डॉलर कमा रहा है। ये देश है चाइना। चाइना के सामान हर बाजार में मिल जाएगी। वैसे प्ले स्टोर पर जो एप्स है उनमें सिर्फ 3 देशों का ही राज है। हालांकि प्ले स्टोर अमेरिका का है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा चाइनीज एप्स और गेम्स भरी पड़ी हुई है। भले ही किसी देश में आपसी दुश्मनी ही क्यों ना हो, जानबूझकर उस देश के प्रोडक्ट में बैन लगाकर अपने देश के मार्केट से उसे नहीं हटा सकते, लेकिन किसी देश के आम नागरिक खुद से उस प्रोडक्ट का बहिष्कार करे तो वह कंपनी चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर समेट सकता है। और यही रणनीति चाइनीज लोग अपनाते हैं। चीन अपना प्रोडक्ट दुनिया भर के देशों में सेल करता है, लेकिन खुद चीनी वासी दूसरे देश के प्रोडक्ट को स्वीकार करने से कतराते हैं। तो क्या हम भारतीय भी ऐसा नहीं कर सकते? क्या हम भी चीन के प्रोडक्ट को बहिष्कार नहीं कर सकते? तो चलिए जान लेते हैं चाइनीज एप्स के बारे में जो हमारे मोबाइल पर सालों साल से राज करते आ रहे हैं। टिकटॉक, हेलो वीगो, ये तीनों चाइना के बाइटन्स के प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा विडमेट, विडमेट स्टेटस, कोवाई, जैक जैक, वी वीडियो, वी मास्टर, यूओ फैन, जिली टिका, स्नैक वीडियो, ये सभी चाइनीज एप्स हैं जो कि हम भारतीय अपनी मनोरंजन के लिए इसे यूज करते रहते हैं। शेयर इट एक्जेंडर भी चाइना की ही है, और अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, क्लब फैक्ट्री, यूसी ब्राउजर, यूसी न्यूज, यूसी मिनी, न्यूज डॉग, वीडियो एडिटर, इंस्टेंट वीडियो शो, स्क्रीन रिकॉर्डर, ब्यूटी प्लस, यू डिक्शनरी, VPS ऑफिस, टर्बो VPN, स्क्रीन रिकॉर्डर, ये बहुत सी सारे एप्स है जो कि चाइना के द्वारा फैलाया गया है। और इसे हम भारतीय इतने यूज कर रहे हैं कि इसकी एप्स की डाउनलोडिंग आप देख सकते हो सभी का 100 मिलियन प्लस ही है। अब बात कर लेते हैं भारत के एप्स कौन कौन से हैं जिसे हम अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करके इन चाइनीज एप्स का बहिष्कार कर सकते हैं। तो फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए जियो स्विच है, जिसका इस्तेमाल हम एक्जेंडर और शेयर इट के जगह कर सकते हैं। UPI से पेमेंट लेने के लिए हमें फ़ोनपे, पेटीएम, भीम ऐप का यूज करनी चाहिए। और ब्राउजिंग के लिए हमें जियो ब्राउज़र इंस्टॉल कर लेनी चाहिए, और यूसी मिनी, यूसी ब्राउज़र को अनइंस्टॉल कर देनी चाहिए।